लास्ट ईयर मुझे तमिलनाडु त्रिची में NRCB नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना, उन्होंने मुझे बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया है। और 2022 में मुझे महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग ने कृषि भूषण सेंद्रीय शेती ये अवार्ड देके उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है। बिटरगांव तालुका करमाला जिला सोलापुर के दूरदर्शी किसान दादा साहेब नामदेव पाटिल से मिले। 2004 से वह पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक टिकाऊ कृषि में बदलने में अग्रणी रहे हैं। जब दादा साहेब ने खेती शुरू की तो उनका परिवार सीमित बिजली और अकुशल बाढ़ सिंचाई जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हुए रसायनों और उर्वरकों का उपयोग करके पारंपरिक तरीकों पर निर्भर था। जब मैं कॉलेज छोड़ के आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे पूरा फ्लड इरिगेशन चालू है, तो मेरे समझ में आया कि लाइट की तो दिक्कत है, लाइट तो अपने को 24 घंटा नहीं मिल रही, और अगर हम फ्लड से पानी देंगे तो हम पूरे खेत को टाइम टू टाइम पानी नहीं दे पा रहे थे। खेतों में अक्सर पानी भर जाता था जिससे जड़ें दब जाती थी और फसल की पैदावार कम हो जाती थी। पहले तो हम फ्लड इरिगेशन कर रहे थे, तो फ्लड इरिगेशन में क्या हो रहा था कि क्रॉप को पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जिस एरिया में स्लोप है तो स्लोप के एरिया में पानी ज़्यादा होने के वजह से वहाँ के रूट चोकअप हो जाते थे, रूट खराब हो जाते थे, तो उसका क्रॉप यील्ड पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा था। उसके बाद हमने ड्रिप इरिगेशन बिठाया, तो ड्रिप इरिगेशन बिठाते समय सबसे हमारे एरिया में सबसे अच्छा ड्रिप तो जैन का चल रहा है, तो हमने जैन का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिठाया और जैन के फिल्टर लगाए और हर क्रॉप को हम डबल ड्रिप बिठाते हैं। तो समझो हमारे यहाँ पे केले का क्रॉप बहुत ज़्यादा पैमाने में है, तो केले को हमने डबल ड्रिप बिठाया, उसके वजह से क्या हो रहा है कि केले के दोनों साइड के रूट्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। पहले हम एक साइड को ड्रिप बिठाते थे तो एक ही साइड के रूट डेवलप होते थे, अभी हम दोनों साइड ड्रिप बिठाने लगे, दोनों साइड के रूट्स डेवलप होने की वजह से क्रॉप का यील्ड ज़्यादा बढ़ रहा है। ड्रिप सिंचाई सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, यह सटीक ड्रिप निषेचन पानी, बिजली की बचत और मिट्टी की नमी बनाए रखने की अनुमति देता है। किसानों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि ड्रिप सिर्फ पानी देने के लिए है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ड्रिप से तो हम पानी देते ही है, लेकिन पानी के बराबर हम उसमें ड्रिप फर्टिगेशन छोड़ सकते हैं। ड्रिप की वजह से हमारे जो क्रॉप है उसको, हर क्रॉप को, हर पेड़ को एक जैसा पानी पड़ता है, इसलिए सबकी जो ग्रोथ होती है एक जैसी होती है। दूसरी बात, ड्रिप फर्टिगेशन के वजह से जो रूट जोन है वो अच्छे से डेवलप होता है, क्योंकि उसको ओवरफ्लो भी नहीं होता और कम भी पानी नहीं पड़ता, जिसको जितना चाहिए उतना पानी मिलता है, इसलिए उसका रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। और ज़मीन में जो सेंद्रीय कर्व तैयार होना चाहिए, जो सेंद्रीय कर्व बढ़ना चाहिए, वो ड्रिप इरिगेशन की वजह से अच्छे से बढ़ता है सेंद्रीय कर्व। हम हर हफ्ते अलग अलग तरीके से जो फर्टिगेशन होते हैं, जो ड्रिप से छोड़ने को ईजी होते हैं, वो हम ड्रिप से अभी छोड़ रहे हैं। उसके वजह से अपने को पानी की बचत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो रही है, और ज़मीन में जो सुपीकता चाहिए, भूसभूषित पाना चाहिए, वो भी ड्रिप की वजह से हम मेंटेन कर पा रहे हैं। जैन इरिगेशन ने दादा साहेब को सटीक खेती की कला सिखाई है। जैन के उत्पाद जैसे 2004 में खरीदा गया रेत फिल्टर अभी भी उपयोग में है। ड्रिप इरिगेशन में जैन का जो प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं, क्योंकि मेरे पास 2004 में जो मैंने खेती चालू की तो उस टाइम मैंने एक फिल्टर लिया था, सैंड फिल्टर, तो आज भी मैं वो सैंड फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ। जो बॉल वॉल है वो आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब जब क्वालिटी की बात आती है ड्रिप इरिगेशन में, तो जैन का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। 2007 से दादा साहेब ने जैन के टिश्यू कल्चर पौधों पर भरोसा किया है, जिससे लगातार उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार प्राप्त हो रही है। तो उस टाइम हमने पहले बार जैन के टिश्यू कल्चर के प्लांट लाए थे, और अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं आज भी उसी कंपनी के प्लांट लेता हूँ, क्योंकि इतना हमारा एक दूसरे पे ट्रस्ट हुआ है, क्योंकि हमको पता है अगर जैन के प्लांट लिए तो पहला क्रॉप भी अच्छा आएगा ही आएगा, लेकिन सेकंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप भी अच्छा आने वाला है, और एक्सपोर्ट के लिए अगर क्वालिटी अच्छी निकालनी है तो सबको पता है कि जैन के ही टिश्यू कल्चर के पौधे खरीदने चाहिए। जैन कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उन्होंने केले का निर्यात करने का काम शुरू किया है तथा मध्य पूर्व देशों के बाजारों तक पहुंच बनाई है। दादा साहेब के समर्पण ने उन्हें प्रशंसा अर्जित की है।
जिसमें राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग से सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार भी शामिल है। लास्ट ईयर मुझे तमिलनाडु त्रिची में NRCB नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना, उन्होंने मुझे बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया है। और 2022 में मुझे महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग ने कृषि भूषण सेंद्रीय शेती ये अवार्ड देके उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है। दादा साहेब नामदेव पाटिल एक गौरवान्वित जैन किसान हैं। ड्रिप सिंचाई अपनाएं और खेती के टिकाऊ भविष्य में योगदान दें। आई एम अ प्राउड जैन फार्मर।